ओके क्लास, विल रिज्यूम नाउ। कुछ बच्चे अभी भी नहीं आए, चलो खैर कोई नहीं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेव यू सम वर्क, मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया था करने को। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू कि अगर आप में से किसी को उसमें, ये जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के बारे में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, कि कोई सा क्वेश्चन नहीं आया या आंसर क्लियर नहीं है या ऐसा कुछ। आप में से किसी को भी कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के बारे में तो पूछ लीजिए। बिकॉज ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम इतने ही करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन ऑब्वियसली रिफर टू एनी ऑफ द एक्स्ट्रा बुक। आप आर एस अग्रवाल रिफर कर सकते हैं, अरिहंत रिफर कर सकते हैं, आर डी शर्मा मैं इतना कहूंगा नहीं आपको रिफर करने को। दो रीजन है उसके लिए। आजकल पहला रीजन है, आर डी शर्मा में आजकल जो है बड़े अच्छे नए क्वेश्चन आ नहीं रहे, और दूसरा रीजन ये है कि मैं खुद आर डी शर्मा के काफी सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करा देता हूँ, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी चलते रह रहे। इसके अलावा तो इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट नहीं है, हम लोग आगे चलते। नेक्स्ट। ओके तो हमारे 2 नंबर्स के क्वेश्चंस जो है अब खत्म हो गए। अब हमारे पास थोड़े अलग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? अब क्या है, ये मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इनको किसी भी कैटेगराइज में रखना थोड़ा गलत होगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मैनी क्वेश्चंस इन दिस कैटेगरी, ठीक है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है? मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़े से स्पेशल रह जाते हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ से क्या है। सबसे पहले सबसे पहले दिस इज क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए सेज टू बी। ओके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आर डी शर्मा, ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का है, एक एग्जाम्पल है। ओके ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ओके ए सेज टू बी, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। बी रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज लेफ्ट विद यू। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विद ए एंड बी सेपरेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, उनके पास कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑरेंजेस है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि दोनों के पास अलग अलग नंबर ऑफ ऑरेंजेस, हो सकता है अलग अलग नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो सकता है सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो, इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, ठीक है? अच्छा जी, अब क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ए बी से कह रहा है पहले कि भाई बी तुम है ना मेरे को कुछ ऑरेंजेस दे दो, अगर तुम मेरे को कुछ ऑरेंजेस दे दोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा मेरे पास तुमसे 2 गुना ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो इसके रिप्लाई में बी कहता है कि ऐसा नहीं करते, ये आइडिया पसंद नहीं आया मेरे को, दूसरा आइडिया देता हूं मैं, ऐसा करो तुम मेरे को कुछ ऑरेंजेस दे दो, जब तुम मेरे को ऑरेंजेस दे दोगे ना तो हम दोनों के पास बराबर हो जाएंगे, तो वो सही रहेगा। इस तरह से दोनों के दोनों बात कर रहे, तो हमको बताना है, हमको ये बताना है कि भाई दोनों के पास कितने ऑरेंजेस है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट वाला काम करेंगे। यहाँ पे हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट ए, ए के पास एक्स ऑरेंजेस है और बी के पास वाई ऑरेंजेस। ध्यान रखिए आज के सारे क्वेश्चन हमको एलिमिनेशन मेथड से ही करने हैं, ठीक है? हाँ जी, लेट ए हैज एक्स ऑरेंजेस एंड बी हैज वाई ऑरेंजेस। ओके अब आ रही है। ओके ओ तो मैं तो बहुत देर से, इतनी देर से बोले जा रहा हूँ बिना।
चलो खैर वापस से बताना शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। कल आप लोगों को ये क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, इनमें से किसी अच्छा को कोई डाउट है तो बोल दीजिए। कौन से क्वेश्चन में डाउट है बेटा? टू डिजिट नंबर, ये वाला। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 20, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स ऑफ द नंबर इंटरचेंज, ये वाला। हाँ जी वेंकट, ओके यही वाला ना। अच्छा ओके तो बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 20, तो वही वापस से वही, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स। एक्स एंड टेंथ प्लेस डिजिट बी वाई। ओके अब तो हमारे पास देयरफॉर नंबर इज, नंबर होगा हमारा 10y प्लस एक्स, और साथ ही साथ ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट भी लिख लेते हैं। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स पे हमको नंबर मिलेगा 10x प्लस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों जो नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज 60, तो एक्स इंटू वाई आपको 60 दे रखा है, सॉरी 20 दे रखा है, नॉट 60, इट इज 20। हाँ जी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 20, प्रोडक्ट दे रखा है 20। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स ऑफ द नंबर इंटरचेंज। दूसरा, ये तो आपके पास पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में 10y प्लस दिस इज एक्स, इस ओरिजिनल नंबर में अगर 9 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट्स ऑफ द नंबर इंटरचेंज, तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, मतलब 10 तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत? +9 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास इक्वेशन बना, दिस इज समथिंग लाइक 10y माइनस वाई विल बी 9y, एक्स माइनस 10x विल बी माइनस का 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। यू टेक 9 एज कॉमन, आप लोग 9 कॉमन लेते हैं तो आपके पास बनता है वाई माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 9 0 के पास चला जाएगा, 0 हो जाएगा, y की फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x-1। ओके अच्छा जी, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है यू कैन नॉट डू दिस विद एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से कर नहीं सकते। इनफैक्ट ये क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। ओके तो ये क्वेश्चन आपको एसेंशियली सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, ये जो वाई वाली जो वैल्यू आई है ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यू विल गेट एक्स इंटू वाई की वैल्यू आई x-1 इज इक्वल टू 20, और
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो, और आपने इसको फैक्टराइज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो, और फैक्टराइज किया तो एक्स माइनस 5 एक फैक्टर आया और एक्स प्लस 4 दूसरा फैक्टर आया इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू एक तो 5 आएगी और दूसरा एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस 4 आएगी। तो माइनस 4 तो आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आपके पास क्या है कि नंबर आना चाहिए, तो नेगेटिव वाला तो कोई डिजिट बन के होता नहीं है, समझ रहे हो बात। नेगेटिव वाला जो नंबर होता है वो किसी नंबर का डिजिट नहीं होता। मेरे पास 56, मैं 56 कभी ऐसे नहीं लिखता 5 - 6, ऐसे कभी 56 नहीं बनेगा मेरे पास, ठीक है। मेरे पास दोनों डिजिट जो है पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव वाला जो नंबर है हम रिजेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, और अगर x की वैल्यू 5 है तो उसके लिए y की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 दैट विल बी 4, तो आपका जो नंबर हो जाएगा दैट विल बी 45, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट जो रेड पेन और ग्रीन पेन से किया है मैंने ढंग से लैंग्वेज के साथ नहीं लिखा, आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आपको लैंग्वेज के साथ आया क्या समझ में। ओके किसी और को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी बोलो। अच्छा हाँ नहीं करा तो हाँ हाँ तो एलिमिनेशन मेथड से करने को बोला था ना बेटा, एलिमिनेशन मेथड से करो। ठीक है मेरे को पता है बुक में। हाँ बोलो। ओके बेटा मेरे को पता है बुक में किस हिसाब से दे रखा है, बट हम जो है मेथड के हिसाब से करेंगे। ओके अभी तक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं सिखाया, ठीक है, तो वो नहीं सिखाया तो जब उसको सिखा देंगे तो उसके क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज के हिसाब से डिवाइड नहीं कर रहे इस चैप्टर को, इस चैप्टर को मेथड के हिसाब से डिवाइड कर। कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो एक पर्टिकुलर मेथड को ज्यादा सूट करती है, ठीक है। जैसे कि आपके नंबर वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं टू नंबर वाले, या फिर आपके जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हुए, या फिर आपके लैंडिंग लाइब्रेरी या टैक्सी वाले जो क्वेश्चंस हुए, ये ज्यादा सूट करते हैं आपके एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। पेन और पेपर वाले क्वेश्चंस हुए, या फिर आपके और किसी तरह से इससे पहले एज वाले जो क्वेश्चंस हुए, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा सूट करते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ज्यादा सूट करते हैं आपके वर्ड टाइम के क्वेश्चंस और स्पीड टाइम के क्वेश्चंस। तो इसके बाद इन सब के बाद मैं स्पीड टाइम और वर्ड टाइम का जब कंसेप्ट बताऊंगा तो उसके साथ साथ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बताऊंगा। ओके अच्छा जी, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आपको ये तीन क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछ लिया तो ये तो हो गया। इसके अलावा और बाकी दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलो वेरी गुड आगे चल। हाँ जी बोलो। बेटा मंडे तक, मंडे को उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके रोजाना दो चार करो, ठीक है। अच्छा मैं पहले कह चुका हूँ उसमें से स्पीड टाइम के क्वेश्चंस और वर्क टाइम के क्वेश्चन अभी नहीं करने, जब आपको करा दिए जाएंगे वो क्लास में उसके बाद अटेम्प्ट करना, उससे पहले मत करना, फालतू में कंफ्यूज हो गए। ओके हाँ जी बेटा बोलो। बेटा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में होता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप खोलते हो ना, स्क्रीन पे शायद देख भी पा रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में एक ऑप्शन होता है साइड में आपका असाइनमेंट्स का। ओके अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो नीचे की तरफ ऑप्शन रहता है, और नहीं तो ऐसे साइड में ऑप्शन रहता है।
यहाँ पे आपके पास, जैसे मेरे पास तो क्लास चूज करने का ऑप्शन रहेगा क्योंकि मैं काफी क्लासे पढ़ा रहा हूँ, 9th और 10th। आप लोगों के पास केवल 10th क्लास का ही खुलेगा असाइनमेंट का, और उसमें आपको दिखेगा असाइनमेंट। असाइनमेंट का नाम है चैप्टर 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट 1। ओके, नीचे ही नीचे है ये, ठीक है, तो कर लीजिएगा। ओके, और अगर फिर भी किसी को नहीं मिल रहा हो तो बेटा मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं वो कर दूंगा आपको, उसकी फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, वर्ड फाइल है तो कुछ लोगों के फोन पे हो सकता है ना खुले। आपको अगर फोन में एमएस वर्ड है नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों के फोन पे ना खुले, अदरवाइज ज्यादातर लोगों की खुल जाती है, आजकल होता है सबके पास। चलो बैक टू द कोर्स, वापस आते हैं। तो हम, हाँ, तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। अब देखो आज जो है अपन सारे क्वेश्चन वंस अगेन एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ, दीज आर ऑल काइंड ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें बहुत ज्यादा अलग से दिमाग नहीं लगाना होता, अपन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो अपन को भी समझ में आ जाता है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। बस ये है कि ये कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं जिसमें हो सकता है कि कोई ट्रिक लगे या फिर किसी को पहली बार में समझ में नहीं आया, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन यूज करेंगे, ठीक है। इनके अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है। अच्छा जी, इनका अलग से कोई फंडा वंडा है नहीं, इनको आपको इंग्लिश अच्छी अच्छी होनी चाहिए, आपको आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, और आप इसकी इक्वेशन बना पाए। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, दिस क्वेश्चन इज ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ए और बी जो है दोनों के पास कुछ कुछ ऑरेंजेस है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन या डिपेंडिंग अपॉन द बुक, ये काफी बुक्स में इस तरह का क्वेश्चन, तो ऐसे हो सकता है कि ए और बी या दो लोग हों, रेंडम नेम्स के कोई भी दो लोग हो सकते हैं, उनके पास कुछ स्पेसिफिक चीज होगी, जैसे हो सकता है दोनों के पास काजू की बर्फी हो या दोनों के पास आम हो, इस केस में दोनों के पास संतरे हैं, ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब क्या कहता है कि, या फिर पैसे हो सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन देते हैं कि पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि तुम जो है मुझे कुछ पैसे दे दो, या फिर तुम, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है कि पहले आदमी ने, ए ने बी से कहा, ए ए जो पहला आदमी है वो जो दूसरे आदमी से कह रहा है कि भाई तुम जो है मेरे को 10 ऑरेंज दे दो, अगर तुमने मेरे को 10 ऑरेंज दे दिए तो तुम्हारे पास जितने भी ऑरेंज है बचेंगे उसके मेरे पास डबल हो जाएंगे। क्या कह रहा है, अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस दे दोगे तो तुम्हारे पास जितने भी ऑरेंज बचेंगे उसके मेरे पास डबल हो जाएंगे। तो बी को ये बात पसंद नहीं है, बी ने कहा चलो ऐसा नहीं करते, मैं दूसरा आइडिया देता हूँ। बी कहता है कि तुम मेरे को 10 ऑरेंजेस दे दो, तो क्या होगा कि तुम्हारे पास जितने ऑरेंजेस है उतने ही मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि ए ने बी को दिए या बी ने ए को दिए या दोनों ने जितने थे उतने रखे, उससे हमको मतलब नहीं। हमसे ये पूछा गया है कि ओरिजिनली ए और बी के पास कितने ऑरेंजेस थे। क्वेश्चन में किसी को डाउट क्या? ओके, तो किसी को डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे कि ए के पास एक्स ऑरेंजेस हैं और बी के पास वाई ऑरेंजेस हैं। तो लेट करेंगे कि ए के पास एक्स ऑरेंजेस हैं और बी के पास वाई ऑरेंजेस हैं। तो क्या करना है अब हमको, अब हमको इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस कैसे बनानी है, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ध्यान से। ए ने बी से कहा कि भाई तुम मेरे को 10 ऑरेंजेस दे दो, तो ए के पास ओरिजिनली कितने ऑरेंजेस थे, एक्स ऑरेंजेस थे। जब बी ने उसे 10 दे दिए तो उसके पास कितने हो गए, एक्स प्लस 10। इसमें किसी को डाउट? अच्छा जी, अब बी की बात करते। बी भाई साहब के पास शुरू में वाई ऑरेंजेस थे, उसने 10 जो है ए को दे दिए, तो 10 जब उसने ए को दे दिए तो अब उसके पास कितने बचेंगे, वाई माइनस 10।
इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या? लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिखा है, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने लिखा है दैट इज द ऑरेंजेस गैदर्ड बाय ए को जितने जुगाड़ ली, और लेफ्ट राइट हैंड साइड जो मैंने लिखा है वो है बी के पास कितने जुगड़े। ओके, अब स्टेटमेंट देखते हैं। बी ए बी से कह रहा है इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, अगर तुमने मुझको अपने 10 ऑरेंज दे दी, तो यहां पे मैंने क्या किया, बी से 10 ऑरेंज लेके ए के पास रख दी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, मेरे पास तुमसे दो गुना ऑरेंजेस रह जाएंगे, मेरे पास तुमसे दो गुना ऑरेंजेस रह जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आई इक्वेशन कैसे बनी? इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 20, यू विल गेट एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 30, दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। किसी को इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो बेटा सभी लोग जो है सेकेंड इक्वेशन बना के देखिए, सेकेंड इक्वेशन देखिए कि आपसे बन रही है क्या। और मुझे हाँ जी, मुझे शिजन का आंसर चाहिए बेटा। शिजन आप मेरे को बताइए कि सेकेंड इक्वेशन क्या बनी है। हाँ बेटा कर लो, उसके बाद बताना आप। हाँ जी, वेरी गुड, बट सीजन हमको सेकेंड इक्वेशन बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या नहीं आया बेटा? क्या बोला आपने, क्या नहीं आया? उस पे हम
हाँ सही है बेटा, भाई की वैल्यू 50। हाँ जी बेटा सही है। बट सीजन मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, बच्चों के आंसर आ गए? गुड। अरे सुजन बेटा आंसर नहीं पूछ रहे आपसे, इक्वेशन पूछ रहे हैं केवल। सेकेंड वाली इक्वेशन बतानी है आपको। हाँ हूं तो करो कुछ। अच्छा जिन्होंने कर लिया उनके पास सेकेंड इक्वेशन आई होगी, x-y=20। आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया होगा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी होगी, तो आपके पास y की वैल्यू आई होगी 50। और जब आप y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास x का वैल्यू आएगा 70। हाँ जी लास्ट में आप लिख देंगे कि देयरफोर ए हैज 70 ऑरेंजेस एंड बी हैज 50 ऑरेंजेस। ए के पास 70 ऑरेंजेस हैं और बी के पास 50 ऑरेंजेस। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा परसेंटेज वाला है, ठीक है? तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाते थे, मतलब 2000 के आसपास या 2000 से पहले ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते थे, मगर आजकल बहुत रेयर होता है कि कहीं पूछे जाते, बट स्कूल में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग अ मोबाइल एट 5% प्रॉफिट एंड एन ई बुक एट 10% गेन। ओके ओरिजिनली क्वेश्चन में मोबाइल और ई बुक नहीं थे, कुछ और था, मैं थोड़ा सा ट्विक किया इसको। हाँ जी ऑन सेलिंग अ मोबाइल एट 5% प्रॉफिट एंड एन ई बुक एट 10% गेन, शॉपकीपर मेक्स ₹2000। ठीक है एक शॉपकीपर है, उसने मोबाइल तो बेचा 5% प्रॉफिट पे और ई बुक बेचा उसने 10% प्रॉफिट पे, और ऐसा करने पे उसे ₹2000 का प्रॉफिट मिला। ठीक है अब दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर चीजें बदल जाती, अगर वो मोबाइल बेचता 10% प्रॉफिट पे और ई बुक बेचता 10% प्रॉफिट पे तो उसका प्रॉफिट होता ₹1500, उसका प्रॉफिट जो है कम हो जाता। ओके तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक्स और वाई लेट करना। तो कोई मेरे को बता सकता है कि एक्स और वाई क्या लेट करूं? वेरी गुड बेटा एकदम करेक्ट हो आप। हम लोगों को इनका कॉस्ट प्राइस लेट करना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम की एक मुश्किल बात ये होती है कि हमको ये डिटरमाइन करना होता है कि लेट क्या करे, हमको ये डिटरमाइन करना होता है कि लेट क्या करे। लेट क्या करे ये जानने के लिए अपन अपना सवाल देखते, सवाल में जो पूछा है वही लेट करना। टू नंबर प्रॉब्लम के अलावा सभी क्वेश्चंस में जो पूछा जाता है वही लेट करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है हमसे कि कॉस्ट ऑफ मोबाइल एंड ई बुक बताओ, तो हम लेट कर लेंगे कि कॉस्ट ऑफ मोबाइल एक्स हो, कॉस्ट ऑफ ई बुक वाई। आई क्या बात समझ में? जो पूछा जाता है केवल नंबर वाले, टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते, टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करते। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है सब में यही,
कि आपसे जो पूछा जा रहा है वही लेट कर लेंगे. लेट कॉस्ट ऑफ मोबाइल बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ई बुक बी रुपीज वाई. ध्यान रखो ये रुपीज लगाना जरूरी है क्योंकि कॉस्ट की बात कर रही है. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एकदम सही कर देते हैं मगर यूनिट का यूनिट में चोर खा जाते हैं. ठीक है, तो यूनिट लगाना बहुत जरूरी होता है. अच्छा जी, अब क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग अ मोबाइल एट 5% प्रॉफिट. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 5% प्रॉफिट ऑन मोबाइल प्लस 5% प्रॉफिट ऑन ई बुक मिलेगा, इज इक्वल टू होना चाहिए रुपीज 2000. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% प्रॉफिट ऑन मोबाइल, दूसरे कलर से लिखता हूं, ये चीज मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको नोट नहीं करना ये वाला पार्ट. 5% प्रॉफिट ऑन मोबाइल प्लस 10% प्रॉफिट ऑन ई बुक इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज टू थाउजेंड ऑन होल कॉस्ट प्राइस ऑन होल कॉस्ट प्राइस. इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है हमको. ठीक है, क्या कह रहा है, 5% प्रॉफिट ऑन मोबाइल बता रहा है प्लस 10% प्रॉफिट ऑन ई बुक बता रहा है. ये सी नहीं है, ई बुक है. ओके, ईबुक बता रहा है इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट पे 2000 रुपए उसको ऊपर से. तो जब क्वेश्चन हमको केवल प्रॉफिट की बता रहा है तो हम केवल प्रॉफिट की इक्वेशन बताएंगे. जब क्वेश्चन हमको प्रॉफिट की कह रहा है तो हम केवल जो है प्रॉफिट की इक्वेशन बताएंगे. प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बताएंगे, हम कहेंगे कि 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई. एक्स पे कितना प्रॉफिट मिला 5% का, वाई पे कितना प्रॉफिट मिला 10% का, ये टोटल परसेंटेज मिलके कितना हो जाएगा 2000. ओके, तो आप इसको लिखोगे, ये आपके पास ए टी क्यू करके इक्वेशन बनी आपके पास, 5% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई इक्वल्स टू 2000. तो आपके पास बना 5/100 एक्स प्लस 10/100 वाई इज इक्वल्स टू 2000. अच्छा, आप में से मैं जानता हूँ सारे के सारे बहुत बड़े पंडित हो रखे हैं मैथमेटिक्स के, मगर कोई भी पंडित जी कृपा करके 5/100 और 10/100 मत काटना. ठीक है, रीजन बीइंग अब क्या है कि आप काट लोगे उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, तो अपन क्या है कि बिना काटे एलसीएम ले लेते हैं, 100 सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है. तो दिस इज 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2000. ओके, 100 आप उधर की तरफ ले जाओ तो यू विल गेट 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 2000, 230 और आगे 20. ठीक है, इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 कॉमन लेके, तो दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 40, x प्लस 2y. वापिस लिख देता हूं, योर फाइनल इक्वेशन विल बी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40123. ठीक है, दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनाइए और सॉल्यूशन कीजिए इन द सेम मैनर. ड्रॉ सेकेंड इक्वेशन बनाओ और फिर यू हैव टू अप्लाई एलिमिनेशन मेथड.
आप लोगों को वापस से एलिमिनेशन मेथड करना है। अगर इक्वेशन बनाने में किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए, अगर क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को पूछने में शर्म आ रही है तो शर्म को गोली मारिए और पूछ लीजिए। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा 5 कॉमन लो। बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है, किस पॉइंट पे? फर्स्ट इक्वेशन लिखिए बेटा, सेकंड नहीं है। ओके फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई करके लिखिए, सेकंड इक्वेशन मैंने लिखा नहीं, सेकंड आपको खुद से कर रहा है। हाँ जी बेटा बोलिए। फाइव लैख अपॉन 3 आ रहा है, ऐसा तो आना नहीं चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, 5 लैख अपॉन 3। एक मिनट मेरे को चेक करने दो। गलत आ रहा है बेटा, बहुत ज्यादा गलत है आपका आंसर। मेरे ख्याल से आपने आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है क्या? हाँ जी। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? ओके इसका मतलब आप जो है वाई को एलिमिनेट कर रहे हो, तो यू विल गेट 3 4। अच्छा सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को आपने 2 से किया ना, फर्स्ट को 2 से किया, तो क्या 40,000 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 80,000 किया उसको पक्का से? पक्का ना किया ना 80,000 क्या उसे? ओके एक मिनट फिर रुको। एक मिनट, सेकेंड इक्वेशन आप लोगों के पास आएगी ये 2x + y = ये, और आपने इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया है और फर्स्ट इक्वेशन को, दैट वाज x + 2y 4 0 1 2 3, ये फर्स्ट इक्वेशन था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ बेटा सही आंसर आ रहा है आपका। बुक में ही गलत दे रखा है। तो यू विल गेट y = 550,000/3 और x भी निकाल लेंगे आप, x भी कुछ ऐसे ही आएगा फिर। x भी निकाल के बताओ x कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा बोलो, तो क्या आ रहा है? किस किसका आंसर आ रहा है 2 लाख?
नहीं, एक्स का या वाई का आंसर आ रहा है 2 लाख। हाँ जी आशा, एक्स का आ रहा है कि वाई का आ रहा है? वाई का आ रहा है 2 लाख और एक्स का? अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने वाई को सबसे पहले एक्स को एलिमिनेट किया होगा, सबसे पहले एक्स को एलिमिनेट किया होगा। बेटा पहली इक्वेशन क्या आ रही है जरा बताओ मेरे को पढ़ के। अच्छा ठीक है, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? थ्री लैख 1,50,000। ओके अच्छा जी, उसके बाद एलिमिनेशन करने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया है? फर्स्ट इक्वेशन को आपने 2 से किया। ओके बेटा, आपने 2 लाख को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है क्या? आशा पक्का? तो बेटा आपने डिवाइड ढंग से नहीं किया। 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट बेटा। एलिमिनेशन तो लगेगा बड़े आराम से, क्या दिक्कत आ रही है? क्या फिर बेटा, एक रेशो तो आपके पास 1/2 आ रहा है, दूसरा रेशो आपके पास 2/1 आ रहा है। एक इक्वेशन है आपके पास 5x+10y इज इक्वल टू समथिंग, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 10x+5y इज इक्वल टू समथिंग। तो 5/10 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, 5/10 करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा, 10/5 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। रेशियो ही अलग है। हाँ जी बेटा, नहीं लगेंगे। क्वेश्चन देखो ढंग से, क्वेश्चन में 1,500 दे रखा है, आपने 15,000 ले लिया। आई क्या बात समझ में? 15 के आगे 4 जीरोस लगेंगे, नॉट 5। लोकेश बात समझ में आई क्या? यूनिक सॉल्यूशन है ये। ओके बाकी सबका आंसर आ गया। एक तो वाई आ रहा है आपके पास 50,000/3, और एक्स आएगा आपके पास 70,000/3। ओके पेन देना।
तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का। तो जैसे कि आप जानते हो, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं तो बताऊंगा नहीं, आपको खुद से ट्राई करना है। हाँ जी, क्वेश्चन इज अ मैन हैज 20 रुपीज नोट एंड 50 रुपीज नोट इन हिज वॉलेट। मैं एक बार समझा दे रहा हूं, ध्यान दो। एक आदमी है, उसके वॉलेट में दो तरह के नोट है, ठीक है। या तो उसके पास 20 रुपए का नोट है, या तो उसके पास 20 रुपए का नोट है, या फिर उसके पास 50 रुपए का नोट है। ओके, अच्छा जी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके पास जितने 20 रुपए के नोट है और जितने 50 रुपए के नोट है, दोनों मिला के उसके पास टोटल 50 नोट। मतलब कि 20 रुपए के नोट कुछ होंगे और 50 रुपए के नोट कुछ होंगे। मान लो 20 रुपए के नोट हुए 20 और 50 रुपए के नोट हुए 30, तो टोटल को ऐड करेंगे ना, 20 प्लस 30, तो उसके पास टोटल है 50 रुपए, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा उनकी वैल्यू की, वैल्यू ऑफ 20 रुपए नोट एंड वैल्यू ऑफ 50 रुपए नोट। ऐसे समझो कि मान लो आपके पास पांच जो है 20 रुपए के नोट है, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हुए, 100 रुपए, करेक्ट। पांच अगर आपके पास 20 रुपए के नोट है तो इसके मतलब आपके पास 100 रुपए हुए, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने उसके पास 20 रुपए के नोट है प्लस जितने उसके पास 50 रुपए के नोट है, टोटल जो वैल्यू है उसकी वो है 1720 रुपए। टोटल जो वैल्यू है वो है 1720 रुपए। मतलब कि अगर आप मानो कि 20 रुपए के नोट आपके पास एक्स है और 50 रुपए के नोट आपके पास वाई है, तो टोटल वैल्यू हुई आपके पास 1720 रुपए। ये बात आई क्या समझ में? इसमें किसी को दिक्कत क्या? ये तो आपकी बनेगी सेकेंड इक्वेशन, और पहली इक्वेशन बनेगी आपके पास एक्स 20 रुपए के जितने नोट है, सॉरी दिस इज वाई, 20 रुपए के जितने नोट है और 50 रुपए के जितने नोट है मिलके बनेंगे 50। ये आएगी आपके पास पहली इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड बेटा, क्या क्या आया? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है बेटा आंसर। वेरी गुड, करेक्ट है एकदम। बाकी लोग भी फटाफट काम कीजिए। हाँ जी, इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 26 और वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 24। किसी का नहीं आ रहा तो पूछ लो।
हाँ जी बेटा, एलिमिनेशन मेथड यूज किया। अच्छा जी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और सेकेंड इक्वेशन जब आप रिड्यूस करोगे तो आपके पास आएगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 172। जीरो काट दोगे सारे के सारे। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि 2 कर लो, 5 को से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y, फर्स्ट इक्वेशन में नीचे लिख रहा हूं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब क्या करेंगे अपन, सबट्रैक्शन कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x से 2x कैंसिल, 5y में से 2y गया तो 3y, 172 में से 100 गया तो 72। तो सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 24, और फिर x के आंसर निकाल लेना, क्योंकि 50 में से 24 गया तो आता है 26, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इसके बाद आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, हाँ जी देख लीजिए दिस क्वेश्चन ऑन द टेबल ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर किसी को लिखना है तो बेटा बता देना, मैं वेट कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट इज दिस, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। एक्सरसाइज 3.4 के मेरे ख्याल से बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट जो है वो नहीं कर पाओगे शायद तक, बाकी सारे कर लो। अच्छा जी, वंस अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये जरूर से ट्राई करना है आप सभी, ठीक है, ये मस्ट है सभी के लिए। नहीं हो तो भी 2-3 बार ट्राई करो, दिमाग लगाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है आज के होमवर्क आपके, बाकी अपन लोग कल मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप लोग अब एग्जिट कर सकते हो एक एक करके। हाँ जी बोलो। बेटा प्यूसर से पूछना पड़ेगा ये आपको फोन करके, मेरी बात नहीं हुई उनसे। ओके, बेटा एग्जिट कर दो, क्या बैठे हुए हो, प्रियंका पुनीत।